हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है बॉलीवुड मेडन में। हमारे साथ है फेमस क्रिटिक राजन जी, जो सब मूवी देखते हैं और इसने अक्षय कुमार की राम सेतु भी देखी है। चलिए इनसे जानते हैं इनके नजरिए क्या है। आपने बताइए राजन जी। देखिए, मैंने अभिषेक शर्मा की राम सेतु देखी और मुंह से निकल गया जय श्री राम। मूवी का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूशन और बेटर हो सकता था। मुझे एवरेज लगी मूवी, वन टाइम वॉच है डेफिनेटली, बट इट कुड हैव बीन बेटर बिकॉज एडिटिंग और क्रिस्प हो सकती थी रामेश्वर भगत की। सिनेमेटोग्राफी इज़ गुड असीम मिश्रा की, बट आई फील कि इट कुड हैव बीन बेटर। अक्षय कुमार तो आर्कियोलॉजिस्ट बने हैं और पहले वो एथीस्ट हैं, दिखाए हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते, और उन्हें एक डायलॉग भी बोला कि राम के मंदिर तो लाखों हैं लेकिन सेतु एक ही है। तो डायलॉग्स बहुत पावरफुल हैं, उनका लुक भी बहुत अच्छा है आर्कियोलॉजिस्ट का, और उन्होंने अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया। बट जैकलिन फर्नांडिस मुझे मिसकास्ट लगी, शी कुड बेरली स्पीक द डायलॉग्स, तो और कोई हो सकता था। और नुसरत बुरीचे का भी ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, तो आई फील कि और अच्छा हो सकता था एग्जीक्यूशन। देख, वर्ड ऑफ माउथ है, लोगों को पसंद आ रही है मूवी एंड 60% ऑक्यूपेंसी थी आफ्टर लॉन्ग टाइम। दिवाली की छुट्टियाँ चल रही है, इट इज़ अ वन टाइम वॉच। हाउएवर आई फील कि समवे आई वॉज डिसअपॉइंटेड, जिस तरह का टेलर था मुझे लग रहा था इट विल गो टू अनदर लेवल। हाउएवर आई फील इट कुड हैव बीन बेटर। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है असीम मिश्रा की, और रामेश्वर भगत की एडिटिंग और अच्छी हो सकती थी, म्यूजिक भी और अच्छा हो सकता था। अभिषेक शर्मा का डायरेक्शन अच्छा है, एग्जीक्यूशन और स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सेकंड हाफ में थोड़ी बोरिंग और मोनोटोनस हो गई, थोड़ी स्ट्रेच हो गई ना मूवी, इसलिए। वही लास्ट में जो कोर्ट रूम के सीन है वो बहुत पावरफुल है। मैसेज यही है कि हमारी हेरिटेज के ऊपर कि वो कितनी रिच है, और कुछ लोग उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, बट वो 7000 साल पहले कैसे जाके रिसर्च करते हैं कि 7000 साल पहले किस तरह ये नो ये राम सेतु बनाया गया था, और वो बहुत अच्छा लगा देख के। पब्लिक को आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक को बोलेंगे एक बार देख सकते हैं, और अच्छी हो सकती थी बट डेफिनेटली एक बार देखी जा सकती है। मैंने आज थैंक गॉड भी देखी, जो भी मुझे एवरेज लगी। तो बॉलीवुड नीड्स टू वेक अप एंड मेक स्ट्रॉन्ग कंटेंट आई फील, बट नेवरदलेस वन टाइम वॉच है दोनों मूवीज। मैं फिर भी 3 स्टार्स दूंगा बिकॉज ऑफ अक्षय कुमार, एडिटिंग की वजह से, एग्जीक्यूशन की वजह से, म्यूजिक की वजह से। ठीक है।